कोसीकला की अनाज मंडी के आढ़तियों ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने रोष का इजहार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि जिस प्रकार हरियाणा में किसानों द्वारा लेवी से अनाज आदि लिया जाता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लेवी द्वारा सामान खरीदा जाए। आज छाता क्षेत्र का अगर हम विशेष रूप से बात करें तो छाता क्षेत्र का किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी और कोसी कला का अनाज मंडी का व्यापारी आज बेहद परेशान है। आज हमारा गेहूं हरियाणा की मंडी में जा रहा है। ये सरकार की निरंकुशता है कि हमने पहले भी पूर्व में भी आंदोलन किया था और ये कहा था सरकार से कि आप जिस तरीके से हरियाणा में आढ़तियों के मार्फत गेहूं की खरीद होती है, उसी तरीके से कोसी कला अनाज मंडी में भी आढ़तियों के मार्फत ही गेहूं की खरीद कराएं। लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे गेहूं की खरीद हो। दूसरी बात, जो गन्ने सेंटर, जो यहाँ सेंटर खोले हुए हैं, वो दलाली के कारण खाली पड़े हुए हैं। दूसरी बात, कल हमारे हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार पर प्रश्न उठता है कि आखिर किसान का क्या कसूर था, जब आप ले नहीं रहे, हरियाणा में जाने देना चाहते, आप किसान को मारना क्यों चाहते हैं? किसान की जो फसल 6 महीने में उगके आती है, वो ना जाने किन किन परिस्थितियों में जाकर उसको उगाता है, अपना पेट भरने के लिए उसको उगाता है, लेकिन फिर भी आपके सिर पर जू नहीं रहती। ये सरकार पर हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है और हमारी ये प्रमुख मांग है कि आप जिस तरीके से होटल में आठ जगह खरीद होती है, उसी तरीके से यहाँ भी खरीद हो। सरकार पे बात पहुँचाने के लिए आपने तब तक क्या क्या किया? हमने पहले भी आंदोलन किया था और यहाँ बैठ के मिलकर यहाँ अनाज मंडी के गेट को बंद करके भी हमने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम पुनः सभी आढ़तिया भैया मेरे और मेरे किसान भाई आज सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुनः ये दोबारा मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि तुरंत अविलंब आढ़तियों के मार्फत जो है किसानों की खरीद हो। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसान विरोधी कार्य कर रही है। जिस प्रकार हरियाणा में आढ़तियों की मार्फत गेहूं आदि की खरीद की जाती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आढ़तियों के मार्फत ही गेहूं, चावल आदि की खरीद की जानी चाहिए।